हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं एक विंडोज़ 11 कंप्यूटर पे लॉगिन हूं और ये हमारे एक क्लाइंट का सिस्टम है जिनकी लोकेशन पे मैं आ जाया हुआ हूं और उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस पे विंडोज़ 10 उनको इंस्टॉल करवाना है और मैं इनकी साइट पर आ गया हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, मैं अपना टूल बॉक्स लाना भूल गया हूँ जिसमें मेरी सभी टूल्स रहते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव्स, मेरे सॉफ्टवेयर्स और हार्ड ड्राइव जिसमें मेरा सारा डेटा रहता है काम का। तो मैं अपना टूल बॉक्स आज घर भूल आया हूँ और इस सिचुएशन में मेरे पास अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं विंडोज़ 10 कैसे इंस्टॉल करूँगा बिना किसी पेन ड्राइव या बिना किसी बूटेबल हार्ड ड्राइव के। तो इस सिचुएशन में क्या हम विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो आज का टॉपिक आपने वीडियो का पढ़ ही लिया होगा, वो भी हमारा यही है कि हम विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो भी बिना किसी बूटेबल पेन ड्राइव के। तो आज का टास्क स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर से कि जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो जाके हमारे सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। उनमें हम उनको काम के वीडियोज़ मिल जाएंगे और आपको अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर कोई भी टॉपिक आपके मन में आता है जिस पे आपको कोई भी क्वेरी करना है या आप चाहते हैं मैं उस पे कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य मैसेज कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियोस सिर्फ आप तक ही ना रहें, और भी जिनको ज़रूरत है या जो किसी प्रॉब्लम में, टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। तो इसी शॉर्ट मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो इस कंप्यूटर पे देखिए विंडोज़ 11 अभी इंस्टॉल है और इस पे हमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है। मेरे पास कोई पेन ड्राइव भी नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें विंडोज़ 10 की ISO को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ विंडोज़ 10 की ISO कैसे डाउनलोड करते हैं। वैसे मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो पहले से बना रखा है और अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप आई बटन पे जा कर के भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको शो कर देता हूँ कि कैसे हम विंडोज़ 10 की ISO को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से। तो इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, गूगल क्रोम या फिर एज ब्राउज़र। मैं यहाँ पर एज ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं google.com को ओपन कर लेता हूँ अपने एज ब्राउज़र पर। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ विंडोज़ 10 डाउनलोड। जैसे ही सर्च करूँगा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लिंक मेरे सामने आ जाएगा। इस लिंक को मैं ओपन कर लूँगा न्यू टैब में और यहाँ पे देखिए विंडोज़ 10 डाउनलोड ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है जिससे कि आप लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर पाएंगे। अपडेट नाउ ऑप्शन ये आ रहा है। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन है क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। ये मीडिया क्रिएशन टूल है जिसके थ्रू आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं ऑनलाइन, और साथ ही साथ आप ISO भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है जिससे कि आप विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं या फिर आप ISO को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है या कोई वीडियो आप चाहते हैं मेरे से इसी टॉपिक के ऊपर कि मीडिया क्रिएशन टूल से आप कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं या फिर ISO कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ 10 की, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आप बस मुझे रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हमें ISO डायरेक्ट डाउनलोड करनी है जो कि हमें इस वेबसाइट पर नहीं मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आपको विंडोज़ 10 की ISO डायरेक्टली नहीं अवेलेबल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आई बटन पे जाके भी आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आप किसी भी ब्राउज़र पे आ जाएंगे, क्रोम या एज पे सेम प्रोसेस रहने वाला है। फिर यहाँ पर ये राइट साइड में 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मोर टूल्स में आना है और डेवलपर टूल ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए आपको ये एक ऑप्शन मिलता है टॉगल डिवाइस इमुलेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर जाना है सैरो पे और बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डायमेंशन रेस्पॉन्सिव। तो यहाँ से आप कोई भी डिवाइस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में जो भी दी गई है। तो मैं फर्स्ट डिवाइस यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ iPhone SE और सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना है।
आप जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको बढ़ के मिलेंगे, और इतना कर लेने के बाद आपको ये पेज यहाँ से क्लोज कर देना है। जो ये डेवलपर मोड में खुला हुआ है तो ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ से क्लोज कर देना है इस क्लोज बटन से। तो ये क्लोज हो गया। अभी आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये हमारे सामने जो हिडन था वो सामने आ गया। तो यहाँ से हम विंडोज 10 की ISO को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से एडिशन इसका मल्टी ISO एडिशन है विंडोज 10 का, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट को। उसके बाद यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट की, चाहे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंग्लिश इंटरनेशनल, जो भी आप चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर आप यहाँ पे विंडोज अपग्रेड करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपका सिस्टम पे जो भी लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। तो मुझे ISO जो चाहिए हैं वो यहाँ से मैं कोई भी वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद तो आपके सामने ये देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई, और कन्फर्म पे फिर आपको क्लिक करना है, एक बार और वैलिडेट करेगा आपकी रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने ये वर्जन डाउनलोड होने के लिए आ गया, क्योंकि विंडोज 10 जो हमारी 32 बिट में भी आती है और 64 बिट में भी। तो आज के टाइम में हम 64 बिट डाउनलोड करेंगे, और आपका सिस्टम ज़्यादा पुराना है या उसमें 4 GB से कम रैम है तो आप 32 बिट वाला ISO डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं 64 बिट यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारी देखिए ISO अभी थोड़ी देर में यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे डाउनलोड ये शुरू हो गया है। साइज देख लीजिए आप ISO का 5.7 GB है। तो इस तरीके से आप ISO को डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है ताकि हमारा वीडियो लेंदी ना हो, तो मैं इसको भी यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया। आप इसी प्रकार से किसी भी ब्राउजर का यूज करके, चाहे क्रोम चाहे एज, इस तरीके से आप विंडोज 10 को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से। तो ISO डाउनलोड कर लेने के बाद बाकी का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी ISO कहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए मेरी ISO यहाँ पे रखी हुई है, 5.71 GB का इसका साइज है, और विंडोज 10 इंग्लिश US एडिशन है इसका, विंडोज 10 प्रो। तो इस सिस्टम में देखिए C ड्राइव है और ये एक दूसरा पार्टीशन बना हुआ है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इन पार्टीशन को हम रीनेम करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको रीनेम कर लेता हूं। तो सी ड्राइव हमें आइडेंटिफाई हो सके कि इसी में, क्योंकि विंडोज है और हमें ये करंट विंडोज जो विंडोज 11 है ये हटा के इसी पार्टीशन पे हमें विंडोज 10 इंस्टॉल करना है। तो इसको मैं रीनेम कर ले रहा हूं विंडोज नाम से, ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें जब पार्टीशन सेलेक्ट करने की बारी आती है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो ये देखिए मैंने इसको रीनेम कर लिया, आप भी इसको रीनेम कर लेंगे, और दूसरा पार्टीशन आप किसी भी नाम से रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं डेटा। देखिए मेरी दोनों ड्राइव यहाँ पे रीनेम कर दी है मैंने। अभी हमें क्या करना है, हमारी ISO का साइज जो है, आपको मैंने दिखाया मेरी ISO का साइज जो है वो है 5.71 GB। तो अप्रॉक्स हमारे पास 7 से 8 GB स्पेस फ्री होना चाहिए यहाँ पे हमारे पास किसी भी ड्राइव में सी के अलावा। तो हमारे पास देखिए ये ड्राइव बनी हुई है छोटी सी जो 4.88 GB की है, यानी ISO से भी कम साइज है इसका। तो यहाँ पे ISO हम नहीं रख पाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए इसमें मेरा कुछ डेटा रखा हुआ है पहले से, तो ये डेटा भी हमें बचाना है, हमें फॉर्मेट नहीं करना है। और हमें क्या करना है, तो यहाँ पे एक न्यू पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे हम। तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो स्टार्ट मेनू पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपके पार्टीशन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सी ड्राइव है मेरी यहाँ पे और ई ड्राइव है। तो सी ड्राइव ये जो मेरी है, इस पे से मैं कुछ स्पेस फ्री कर लेता हूँ। इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, श्रिंक वॉल्यूम करूँगा, और यहाँ से लगभग 8 GB स्पेस यहाँ से निकाल लूँगा, क्योंकि उसमें मैं अपने ISO का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 8 GB स्पेस मैं दे देता हूँ, 8000 MB में साइज मैंने दे दिया, ये लमसम 8 GB या उससे थोड़ा सा कम होगा। और हमारी ISO का साइज है 5.7 GB समथिंग। तो देखिए 7.81 GB यहाँ पे
ये पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब हम इसको पार्टीशन को यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं अनएलोकेटेड स्पेस को, और इसको मैं डी ड्राइव लेटर असाइन रहने देता हूँ इसी तरीके से, और इसको मैं वॉल्यूम लेवल में इसको नेम दे देता हूँ Win10 इंस्टॉल करके मैंने नेम दे दिया। आप यहाँ कुछ भी नेम दे सकते हैं, और इसको हम क्विक फॉर्मेट कर देंगे, फिनिश करेंगे। देखिए पार्टीशन हमारा यहाँ पे वॉल्यूम लेवल इसका चेंज हो गया है Win10 इंस्टॉल करके, और डी ड्राइव लेटर इसको मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे हम। उसके बाद हम वापस फाइल मैनेजर में जाएंगे तो देखिए मेरी ये डी ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, और जो मैंने ISO रखी हुई है इसको मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इसको माउंट कर लेंगे हम। माउंट करते ही एक अलग ड्राइव लेटर में ये आपकी यहाँ पे माउंट हो गई है। देखिए इसको अभी हमें क्या करना है, ओपन इन न्यू टैब करेंगे, और यहाँ से इसका जितना भी कंटेंट है ये ISO का, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो पार्टीशन मैंने बनाया है ये Win10 इंस्टॉल करके, इसी पार्टीशन में हम इस Windows 10 ISO का सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसको कॉपी हो जाने देते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमारी ISO का सभी कंटेंट यहाँ पे कॉपी हो चुका है पूरा। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, आप जब डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तो एक चीज को और चेक कर सकते हैं। देखिए डिस्क मैनेजमेंट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट में मेरा ये डिस्क है यहाँ पे, इसका आप पार्टीशन स्टाइल अगर चेक करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी, वॉल्यूम्स में जाएंगे तो देखिए ये GPT पार्टीशन है। तो ये मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिना पेन ड्राइव के हम इसमें विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये दोनों पार्टीशन स्टाइल पे आपका सपोर्टेड रहेगा ये मेथड, चाहे GPT पार्टीशन स्टाइल हो आपके हार्ड डिस्क का, या फिर SSD का, या फिर MBR पार्टीशन स्टाइल हो, दोनों के लिए सेम मेथड ये एप्लीकेबल रहेगा। पुराने सिस्टम में जैसे कि MBR पार्टीशन स्टाइल होता है उस पर भी ये वर्क करेगा, और GPT पार्टीशन स्टाइल जो नया होता है उस पर भी ये वर्क करेगा, यानी UEFI सपोर्टेड मदरबोर्ड प्लस MBR जो कि लेगेसी पार्टीशन स्टाइल होता है, दोनों पे ये काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये UEFI यानी कि GPT पार्टीशन है, तो हम इस पे विंडोज 10 इंस्टॉल करने जा रहे हैं बिना पेन ड्राइव के। तो हमने सारा कंटेंट जो ISO का है वो यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और जो ISO हमारी माउंट है इसको अब हम यहाँ से इजेक्ट कर देते हैं राइट क्लिक करके। देखिए हमने इजेक्ट कर दिया इसको। अब हम बाकी का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और इसमें हमें सिर्फ सी ड्राइव को टच करना है, सी ड्राइव फॉर्मेट करना है। और एक चीज़ और, अगर आपको इस सिस्टम का डेटा बैकअप लेना है, आपके इस करंट कंप्यूटर को जिसको आप फॉर्मेट करने जा रहे हैं उसका कोई भी डेटा आपको बैकअप लेना है, तो उस डेटा को आप एक्सटर्नल किसी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में डेटा बैकअप ले लेंगे, या किसी और कंप्यूटर में, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जो भी पार्टीशन आपके सिस्टम में मौजूद हैं उनमें आप वो डेटा का बैकअप ले लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे देखिए कोई डेटा नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट्स हैं। डाउनलोड में मेरा कुछ डेटा रखा हुआ है, और डॉक्यूमेंट में मेरी ये ISO रखी हुई है। तो ISO का तो मेरा कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो चाहूँ तो मैं इसका बैकअप ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड का ये बैकअप ले ले रहा हूँ। ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और चाहे तो आप डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो, ये सभी फोल्डर के डेटा को कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो मेरे डाउनलोड फोल्डर में डेटा रखा हुआ है उसी का बैकअप लेने जा रहा हूँ सिर्फ। तो मैं दिस PC वापस जाता हूँ, और ये मेरी ड्राइव रही जिसमें मेरा बाकी का डेटा है, इस पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं बैकअप, और यहाँ पे इस डेटा को मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मेरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है सारा। अब हमें सिंपली क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। आपको शिफ्ट बटन दबाना है अपने कीबोर्ड पे, होल्ड डाउन करके रखना है बटन को, और जैसे रीस्टार्ट करते हैं वैसे इस तरीके से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, शिफ्ट बटन आपको रीस्टार्ट करने के बाद छोड़ना है। अभी हमारा सिस्टम देखिए यहाँ पे एडवांस मोड में रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए हमारा सिस्टम रीबूट हो रहा है, और ये मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें हम कोई थर्ड पार्टी टूल या किसी अदर एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपली हमारे पास सिर्फ एक ISO होनी चाहिए,
जो कि आप इंटरनेट से कभी भी कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको जाना है ट्रबल शूट ऑप्शन में, और इसके बाद जाना है एडवांस ऑप्शन में, और फिर जाना है आपको कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं एरो कीज़ का जैसे मैं कर रहा हूँ, या फिर आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट ये ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हमें एक कमांड देनी है डिस्क पार्ट, देखिए डिस्क पार्ट के अंदर हम अभी आ जाएंगे। देखिए डिस्क पार्ट कमांड हमने चलाई और इसके अंदर प्रॉम्प्ट आ गया है हमारा। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे लिस्ट वॉल्यूम। कमांड आप ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, भले ही आप इसको पॉज कर करके देख सकते हैं, और कमांड के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए लिस्ट वॉल्यूम मैंने लिखा यहाँ पे लिस्ट स्पेस वॉल्यूम, एंटर करा तो मेरे पास सारे वॉल्यूम जो भी मेरे पार्टीशंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन मेरे सामने है। देखिए सी ड्राइव मैंने रीनेम करी थी विंडोज़ नाम से, उसका लेबल नेम मैंने चेंज करा था, और डी ड्राइव मैंने जो पार्टीशन बनाया था जिसके अंदर मैंने अपनी आईएसओ का पूरा कंटेंट एक्सट्रैक्ट करा था। तो देखिए वो डी ड्राइव यहाँ पे विन इंस्टॉल नाम से दिख रही है मेरी, और एफ ड्राइव जो डेटा नाम से मैंने रीनेम करी थी जिसके अंदर मेरा बैकअप रखा हुआ है और पिछला डेटा मेरा रखा हुआ है। बाकी ये सभी हमारे रिकवरी पार्टीशन और जो सिस्टम पार्टीशन या सिस्टम रिजर्व जो पार्टीशन होते हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमारे पास टोटल 3 पार्टीशन हैं, एक विंडोज़ का, एक में जो आईएसओ का कंटेंट रखा हुआ है वो, और एक हमारा पहले से डेटा नाम से जिसमें हमने डेटा बैकअप रखा हुआ है अपना। तो इस विन 10 इंस्टॉल वाली ड्राइव के अंदर आके सेटअप को रन करना है अपनी विंडोज़ 10 का। तो यहाँ पे आने के लिए अभी आपको यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा, लेकिन कमांड देने से पहले आपको डिस्क पार्ट से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सी ड्राइव है मेरी यहाँ पे विंडोज़ वाली, और डी ड्राइव है हमारी विन 10 इंस्टॉल करके। तो डी ड्राइव जो है यहाँ पे ड्राइव लेटर उसी का हम यूज़ करने वाले हैं, विन 10 इंस्टॉल वाली ड्राइव जो है जिसमें हमारा कंटेंट सारा रखा हुआ। तो यहाँ पे अभी हम डिस्क पार्ट से बाहर निकलेंगे, उसके लिए कमांड मैं लिखूँगा एग्जिट और एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए लीविंग डिस्क पार्ट लिख के आ रहा है और हम डिस्क पार्ट से बाहर आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे इसी डी ड्राइव के अंदर हमें जाना है, जो ये हमारी डी ड्राइव है जिसके अंदर सारा कंटेंट रखा है विंडोज 10 का। तो यहाँ पे अभी हम क्लिक करेंगे और कमांड लिखेंगे डी कोलन और एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए डी ड्राइव के अंदर अभी मैं आ चुका हूँ, और अगर मुझे इसके कंटेंट देखने हैं तो DIR सिर्फ मैं कमांड लिखूंगा और एंटर की करूंगा। तो देखिए मेरे पास डी ड्राइव के अंदर जो भी मेरा मैंने कंटेंट कॉपी किया था विंडोज 10 की ISO का, वो सारा कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए एक फाइल होती है जो हम रन कराते हैं, वो होती है हमारी setup.exe। तो ये फाइल हमें यहाँ पे रन कराना है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट मोड में हैं, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसी फाइल नेम को हमें लिख के रन कराना है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे setup.exe। देखिए कमांड मैंने दे दी है और यहाँ पे एंटर की को हम प्रेस करेंगे। एंटर की देखिए जैसे मैंने प्रेस करा तो मेरे सामने देखिए यहाँ पे विंडोज का सेटअप यहाँ पे ओपन हो गया, और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज पूछ रहा है तो मैं इसको डिफॉल्ट रखूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये प्रोसेस जब आप करेंगे तो आप चाहें तो अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका प्रोसेस ज़्यादा टाइम ना ले, क्योंकि विंडोज़ के अपडेट आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मैंने नेक्स्ट कर दिया है, अभी हमारे सामने विंडोज़ सेटअप आगे बढ़ चुका है, और यहाँ पे एक्टिवेट विंडोज़ के लिए बोल रहा है कि अगर आपके पास की है तो आप यहाँ की डाल सकते हैं अपनी लाइसेंस की विंडोज़ की। तो हमारे पास अभी कोई प्रोडक्ट की नहीं है, तो मैं यहाँ पे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक करता हूँ, और आप चाहें तो प्रोडक्ट की बाद में भी डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ISO के सारे जो भी वर्जन अवेलेबल हैं यहाँ पे विंडोज 10 के, वो सभी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल करना है, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा एडिशन को, विंडोज 10 प्रो एडिशन, और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देखिए उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट आ रहा है, आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके, और मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड और एक आता है कस्टम इंस्टॉल। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे, कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस।
सेकंड ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ कस्टम इंस्टॉल पे, और देखिए मेरे सामने सभी पार्टीशन की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो देखिए इसी की मैं बात कर रहा था शुरू में वीडियो के, कि यहाँ पे जो पार्टीशन आते हैं वो हमें पहचानना पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सी पार्टीशन को और हमारा जो ई ड्राइव था जिसमें हमारा डेटा पहले से मौजूद था उन सबको हमने रीनेम कर लिया था। तो देखिए डेटा वाला पार्टीशन मेरा ये रहा डेटा नाम से, और विंडोज़ वाला पार्टीशन जो सी ड्राइव थी वो ये रहा जो हमने पहले ही रीनेम कर लिया था। उसके अलावा ये हमारा विंडोज़ 10 इंस्टॉल नाम से वो ड्राइव है जो हमने स्पेस क्रिएट करा था विंडोज़ वाले ड्राइव से यानी सी ड्राइव से, और उसके अंदर हमने अपनी विंडोज़ 10 की ISO का कंटेंट रखा था। तो यही अभी ड्राइव हमारी वर्किंग में है जिसके थ्रू हम ये सेटअप रन कर रहे हैं, तो इसको हमें टच नहीं करना है और बाकी ड्राइव्स को भी नहीं छूना है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये वाली ड्राइव जिस पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल है जो विंडोज़ नाम से हमने रीनेम करी थी उसी को हमें पार्टीशन को फॉर्मेट करना है और दोबारा से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ये हमारे जो रिजर्व पार्टीशन है ये वाला और सिस्टम पार्टीशन है ये हमें यहाँ से डिलीट करना होगा। तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट पे क्लिक करता हूँ, सिस्टम वाले पार्टीशन को डिलीट किया मैंने, ये देखिए डिलीट हो गया 100 MB का फ्री स्पेस हो गया, अनएलोकेटेड स्पेस आ रहा है यहाँ पे लिख के, और ये MSR रिजर्व है रिजर्व पार्टीशन, इसको भी मैं सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए ये भी डिलीट हो गया। और अभी हमारा विंडोज़ पार्टीशन है ये, तो इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा और डिलीट पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो देखिए हमारा सभी पार्टीशन यहाँ पे जो विंडोज़ से रिलेटेड और जो सिस्टम पार्टीशन थे वो सब डिलीट हो गए हैं, और ये अनएलोकेटेड स्पेस टोटल 66 GB का हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा ये देखिए रिकवरी पार्टीशन है, ये आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, मैं इसको देखिए डिलीट करता हूँ, ये वाला एक रिकवरी पार्टीशन है 5522 MB का, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, देखिए डिलीट हो गया, फ्री हो गया स्पेस ये। और एक और है ये रिकवरी पार्टीशन 773 MB का, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, देखिए ये भी डिलीट हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, ये पार्टीशन हमारा बचा हुआ है विंडोज़ 10 इंस्टॉल करके जिससे कि हम ये रन करा रहे हैं, और हमारा दूसरा पार्टीशन जिसमें हमारा डेटा बैकअप रखा हुआ है। तो अनएलोकेटेड स्पेस 66 GB का जो हमने विंडोज़ पार्टीशन और सिस्टम पार्टीशन डिलीट करके बनाया था उसको सेलेक्ट करेंगे, इसी पे हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और न्यू पे क्लिक करूँगा, वापस अप्लाई करूँगा और ओके करूँगा। इतना करने के बाद देखिए फिर से उसने हमारे लिए ये सिस्टम रिजर्व पार्टीशन और सिस्टम पार्टीशन ये दोनों पार्टीशन को क्रिएट कर दिया वापस, और हमारा ये जो प्राइमरी पार्टीशन बना है 65.9 GB का इसी पे हम विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करेंगे। देखिए फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूं, इससे हम ये सेटअप को रन कर रहे हैं जिसमें हमारा ISO का कंटेंट रखा हुआ है विंडोज़ 10 का, और ये हमारी डेटा वाली ड्राइव है डेटा नाम से हमने रीनेम करी थी जिसके अंदर हमारा सारा डेटा और बैकअप वाला डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वाली ड्राइव पे हम विंडोज़ इंस्टॉल करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करा मैंने और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। विंडोज़ इंस्टॉलेशन हमारी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेगी, नॉर्मली जितना भी विंडोज़ टाइम लेती है 15 मिनट या फिर 20 मिनट, तब तक हम वीडियो को यहाँ पे स्पीड अप कर देते हैं और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद। तो देखिए दोस्तों हमारी विंडोज़ 10 यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और विंडोज़ 10 हमारी पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है, तो देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप विंडोज़ 10 को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए हमने विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लिए, मैं आपको पार्टीशन की इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ सारी। तो देखिए विंडोज़ 11 हमारी यहाँ पे हट चुकी है, और जो हमने पार्टीशन में सेफ रखा था डेटा वो सभी डेटा हमारा वैसे का वैसे ही, डेटा नाम से ड्राइव हमने रीनेम करी थी, देखिए इसके अंदर मेरा सारा डेटा वैसे का वैसे ही है, और ये देखिए बैकअप नाम से फोल्डर बनाया था ये, वो भी डेटा मेरा सेफ है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए ये जो हमने ISO का एक्सट्रैक्टेड कंटेंट रखा था इस ड्राइव में, ये ड्राइव हमने सी ड्राइव में से स्पेस लेकर के बनाई थी, ये देखिए वो भी हमारा सेफ है यहाँ पे डेटा, और सी ड्राइव हमने सिर्फ जो फॉर्मेट करी थी वो यहाँ पे हमारी क्रिएट हो चुकी है।
इस तरीके से हमने सक्सेसफुली विंडोज 10 को इंस्टॉल किया बिना किसी पेन ड्राइव या बिना किसी थर्ड पार्टी टूल के। और ये मेथड आपका GPT पार्टीशन स्टाइल या MBR सभी पे काम करेगा। आप इस मेथड को ट्राई जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट अवश्य कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी हम अपने चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मैंने कुछ पोस्ट भी डाली है और लास्ट में एक वीडियो भी डाला था मैंने इससे पहले, जो वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको गेमिंग में और भी इंटरेस्ट है या आपको गेम प्ले से रिलेटेड वीडियो चाहिए जैसे कि प्ले स्टेशन या रेट्रो गेमिंग्स जो आते थे जैसे कि NES या सुपर निंटेंडो या अदर कंसोल से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। साथ ही साथ जो इम्यूलेटर होते हैं जिनको कि आप अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिना हार्डवेयर परचेस किए या बिना कंसोल परचेस किए, आप प्लेस्टेशन 2, प्लेस्टेशन 1 या जो भी रेट्रो गेम्स हैं आपके 8-bit सेगा या 16-bit या 3D या 2D गेम जितने भी हैं हमारे जो हमने बचपन में कभी खेले हैं, आज भी हम उनका मज़ा ले सकते हैं अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके, तो वो सब वीडियो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। बस मुझे आपसे एडवाइस चाहिए या आपसे सजेशन चाहिए कि आप किस प्रकार के वीडियोस को देखना पसंद करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसी मैसेज के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।